नमस्कार दोस्तों, मैं बीआर चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सूरतगढ़। हम पढ़ रहे थे राजस्थान में जिला दर्शन, और आज हम शुरू करेंगे बीकानेर संभाग के चारों जिले, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चुरू। सबसे पहले बीकानेर जिले को आज हम देखेंगे। देखो, मानचित्र में देख रहे हो, इन टाइप में अपने बीकानेर जिले है, और मिड के अंदर अपने बीकानेर जिला मुख्यालय। और यदि आप बात करें बीकानेर की, तो देखो बीकानेर की जो स्थापना है वो राव बीका ने 1488 में अक्षय तृतीया आखा तीज के दिन, शनिवार के दिन बीकानेर राज्य की स्थापना की थी करणी माता के आशीर्वाद से। तो बीकानेर राज्य की स्थापना राव बीका, जो जोधा के पुत्र थे, मारवाड़ जोधपुर के राव जोधा के पुत्र थे बीका, जिन्होंने अक्षय तृतीया के दिन, बार था शनिवार, और 1488 में बीकानेर की स्थापना कर दी। अच्छा, बीकानेर की स्थापना पहला कुछ समय तक जो बिक्का थे वो जोधपुर से आए थे, है ना, मंडोर से आए थे, वो कोडमदेसर में रहे थे लगभग 3 साल, और कोडमदेसर में जो भैरव जी का मंदिर है वो बीकानेर बनाया था। तो बीकानेर की स्थापना से पहले बीकानेर कुछ समय तक, है ना, ये बिक्का कहाँ रहे थे, कोडमदेसर रहे थे। कोडमदेसर इनकी पहली राजधानी थी, और वहाँ भैरव जी का जो ऐतिहासिक मंदिर है वो राव बीकानेर ने बनाया था। बिंग अलावे यदि आप बात करा बीकानेर ने और कह है, तो बीकानेर जगह जगह बस उड़ा है, बिना राती घाटी बोले है बीकानेर ने, ऊन को घर बोला है। तो राती घाटी बीकानेर ने बोला है, ऊन को घर बीकानेर ने बोला है। बीकानेर को प्राचीन नाम है जांगला प्रदेश, और जगह की राजधानी आई छत्रपुर। तो राती घाटी ऊन का घर, और जांगला प्रदेश, और जगह की राजधानी आई छत्रपुर। अब देखो मानचित्र के माध्यम पर प्रवेश सॉरी प्रयास करांगा कि किसी किसी ऐतिहासिक जगह उठू अपने सवाल बन सके। तो एक तो मिड के अंदर देखो बीकानेर है सिंपल, और कुछ एक जो प्रसिद्ध जगह है, ऐतिहासिक जगह है, वह के सवाल आपने बढ़ सके तो आप देखांगा। सारण पहला यदि आप बात करें, देखो पुगल, पुगल के अंदर आपने राजस्थान में जब आप पशु संपदा पढ़ांगा तो भेड़ बकरियां पढ़ांगा, तो पुगल के अंदर पुगल भेड़ी एक नस्ल है। तो पुगल जो भेड़ है वो पुगल नस्ल, पुगल में बंग उत्पत्ति स्थान है। खाजवाड़ो पाकिस्तान, पाकिस्तान की सीमा है ना, कन्हैया खाजवाड़ो आता है सिले आप उगड़ पुगड़ भेड़। बिंग बाद में आप बात करा गजनेर, देखो बीकानेर का जगह राजा भाई, आपको गर्मियों के टाइम में बीकानेर हूँ 25-30 किलोमीटर है ना पश्चिम दिशा में एक झील है गजनेर झील, गजनेर झील के किनारे गजनेर पैलेस, गज सिंह गजनेर पैलेस बना दियो। तो और बैठे बीकानेर जगह जगह राजा शिकार करने जाता, तो ये बीकानेर जो राज्य का शिकार का था गजनेर झील, गजनेर पैलेस वहाँ वो रहते थे। तो वर्तमान में जो को गजनेर और बेल्ट है, झील और बिंगे किनारे वो जंगल है, बिने गजनेर अभ्यारण्य बना दियो राज्य सरकार। और गजनेर अभ्यारण्य में एक बहुत फेमस चीज है जी, एग्जाम में बार बार पूछा है, रेत का तितर जिसे बटबड़ कहते हैं। तो रेत का तितर या बटबड़ या इन बोला है इंपीरियल सैंड ग्राउस जो गजनेर अभ्यारण्य के अंदर पाई जाए। नेक्स्ट यदि बात करा सोंथी, सोंथी के अंदर देखो इंगी खोज करी अमलानंद घोष 1953, वही अमलानंद घोष जिन्होंने कालीबंगा की खोज की है ना 52 में, तो 53 में सोंथी की खोज, इसे कालीबंगा फर्स्ट कहते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। सोंथी सभ्यता बीकानेर में है जिसे कालीबंगा फर्स्ट कहते हैं, और अमलानंद घोष 1953 में है ना इनकी खोज की, और याद रखिए ये हड़प्पाकालीन है ना साक्षी मिले हैं। ओ देखो जजर है, जजर में जोजोबा प्लांट जो निजी क्षेत्र की सारण बड़ी परियोजना है, जजर बीकानेर में जोजोबा जो प्लांट है उसके निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी परियोजना है जजर बीकानेर में। नेक्स्ट यदि बात करें देखो कोलायत, कोलायत तो थाने पता ही है कि कपिल मुनि गोठाश्रम और कार्तिक पूर्णिमा को मेड़ो लागे है, जंगल प्रदेश को सारण बड़ो मेलो है। नेक्स्ट यदि बात करा मुकाम, देखो मुकाम में जामो जी को मेड़ो लागे है, जामो जी की स्मृति में फाल्गुन और आश्विन अमावस्या लगे, साल में 2 बार भरी जाए फाल्गुन अमावस्या को भी राष्ट्रीय अमावस्या को। खास बात यहाँ मुकाम में जामो जी की समाधि है, बहुत बड़ा मंदिर है। हालांकि जामो जी का जन्म बीकानेर में नहीं होता, इनका जन्म होता है पीपासर गांव नागौर 1451 में, लोहट जी पंवार और हंसा है ना देवी से इनका जन्म होता है। देखो जामो जी की समाधि मुकाम में है, विष्णु संप्रदाय की पीठ मुकाम के कन्नी सम्राट हल्दोरे में विष्णु संप्रदाय की स्थापना कराए 1485 में है ना, और मेड़ो मुकाम में लगे हैं। तो आ थोड़ी सी अपन बात याद रखनी है। बिंग बाद में देशनोक, देशनोक तो आपको पता ही है विश्व प्रसिद्ध चूहों का मंदिर, करणी माता का मंदिर यहीं देशनोक में है। चारणों की कुलदेवी है, जो सफेद चूहे पाए जाते हैं उनको कावा कहते हैं, तो चारणों की कुलदेवी से भी चूहों को कावा कहते हैं। नेक्स्ट
पलाना और बरसिंह सर दो कन्ने कन्ने गांव है देशनोगर बीकानेर के बीच में, यहाँ लिग्नाइट कोयला निकाला जाता है। एशिया का सबसे बढ़िया जो लिग्नाइट कोयला है वो नहीं यही निकाला जाता है, तो लिग्नाइट का कोयला निकाला जाता है यहाँ लिग्नाइट किस्म का, और सर्वाधिक यही पाया जाता है, एशिया में सर्वश्रेष्ठ भी है ना। नेक्स्ट जोड़वीड बीकानेर शहर के अंदर ही है, साइड के अंदर जोड़वीड जटा केंद्रीय ऊंट और अशव अनुसंधान केंद्र और प्रजनन केंद्र, केंद्रीय ऊंट और अशव ऊंट और घोड़ा गो अनुसंधान प्रजनन केंद्र घटा है बीकानेर के अंदर जोड़वीड में, बहुत बारी सवाल पूछ रहे है ना, याद रह जाएगा। नेक्स्ट यदि बात करें अठे केमल डेयरी भी है ना, केमल मिल्क मिले है केमल मिल्क। नेक्स्ट यदि आप बात करें कतरिया सर, कतरिया सर नाम याद आता है अपने अग्नि नृत्य और जसनाजी का नाम याद आ जाए, तो कतरिया सर बीकानेर में जसनाजी का यहाँ जन्म हुआ और जसनाजी संप्रदाय की यहाँ प्रधान पीठ है और यहाँ अग्नि नृत्य है ना बहुत फेमस है, जिसको गंगा सिंह ने संरक्षित किया, और एक सियंथल जगह का नाम है बीकानेर में सियंथल, जहाँ रामसनी संप्रदाय की एक पीठ है। पूरे राजस्थान में चार पीठ है, एक तो भीलवाड़ा में पटिस्सा है पूरा, एक पट्टी यहाँ पा थाने यदि पता हुआ है तो नागौर में पड़ी है ना, और रैन और बीकानेर में तीसरी पीठ आज हम पढ़ांगा सियंथल, सियंथल में तीसरी पीठ है और एक चौथी रामसनी संप्रदाय की पीठ हो रही है, जगह थाने कमेंट में बतानी है। तो सियंथल की जो रामसनी संप्रदाय की पीठ है इसके संस्थापक है हरि रामदास जी, ठीक। नेक्स्ट यदि आप बात करें लूणकर्ण सर ऐतिहासिक कस्बा है, राव लूणकर्ण ने बसाया था यहाँ, लूणकर्ण सर जो है खानेपारी की झील भी है ना, और तो खारे पानी की झील। नेक्स्ट यदि आप बात करें बीकानेर के अंदर ही एक जगह है सिटी के अंदर देवी कुंड सागर, थोड़ा साइड में पड़ा है देवी कुंड सागर, जहाँ छतरी है ये इनका शाही शमशान घाट है, बीकानेर के राठौड़ों का शाही शमशान घाट है देवी कुंड सागर की छतरियाँ बहुत फेमस है। नेक्स्ट यदि आप बात करें तो देखो बीकानेर जिले के बारे में और जगह खास बात है, जगह एग्जाम में अपना आस्क है, क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा है तो मैंने कोशिश की है कि बहुत ही समराइज करके है ना एक वीडियो में सेट करने का प्रयास किया, इसलिए ध्यान से सुना, सवाल इनसे बाहर नहीं जाएगा। तो आइए देखते हैं जूनागढ़ का किला, देखो बीकानेर को जो शहर के अंदर किलो है वो जूनागढ़ को किलो, राय सिंह बीकानेर के छठे महाराजा राय सिंह इनका निर्माण करवाते हैं 1489 से, सॉरी हाँ 1589 से 1589 से 94 अपने मंत्री करमचंद पंवार की देख रेख में दुलमेरा के लाल पत्थरों से बना हुआ है, इसे जमीन का जेवर कहते हैं। इसके अंदर एक प्रशस्ति है राय सिंह प्रशस्ति, जिसके लेखक है जैन मुनि जयता, और इस किले में जयमल और फता की गजारूढ़ मूर्ति है। कौन है जयमल फता? वही जयमल फता जो 1567-68 के चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में अकबर से युद्ध करते हुए शहीद हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। नेक्स्ट लालगढ़ पैलेस, बीकानेर के आधुनिक निर्माता राजस्थान और हमारे भारत के भागीरथी गंगा सिंह अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में बीकानेर के अंदर ही लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया। गंगा सिंह के पिता को नाम लाल सिंह हो तो अपने पिता की स्मृति में गंगा सिंह ने लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया। सूरसागर, जूनागढ़ किले के सामने एक झील है जगह को नाम सूरसागर है। बीकानेर में सिरेमिक प्रयोगशाला है, तो सिरेमिक प्रयोगशाला कहाँ है? बीकानेर। राज्य का प्रथम वायदा बाजार बीकानेर। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर। भांडासाहेब जैन मंदिर बहुत फेमस है, भांडासाहेब जैन मंदिर पुराने शहर के अंदर बीकानेर में एक जैन मंदिर है। खास बात है एग्जाम में कई बार सवाल पूछ लियो, क्योंकि ये मारवाड़ में पानी की कमी है तो बिन टाइम के अंदर मंदिर बनाए, बिन टाइम में पानी की कमी वास्ते बिन टाइम के जैन लोग जगो मंदिर की नींव भरी, बटे पानी की बजाय बटे घी को प्रयोग करो, देसी घी को प्रयोग करो, तो इसे देसी घी वाला मंदिर बोलते हैं, जिसकी नींव में देसी घी है ना डाला गया है ना। बारिश के मौसम में इस देसी घी की महक है वो है ना अपन महसूस कर सकते हैं ना। तो ये भांडासाहेब जैन मंदिर है, देसी घी जिनकी नींव में डाला गया। पाटा संस्कृति, बीकानेर की पाटा संस्कृति फेमस है, बीकानेर की रम्मतें बहुत फेमस है, ध्यान से सुनना है। रम्मत अपन लोकनाट्य में पढ़ते हैं, रम्मत राजस्थान में दो जगह की रम्मत फेमस है, ध्यान से बताना। एक तो बीकानेर तो हमने पढ़ लिया, कमेंट में लिखकर बताना कि रम्मतें कहाँ से शुरू हुई, तो रम्मतें बीकानेर की फेमस है। उस्ता, उस्टर और मथेरण कला आ रहा है, उस्ता बै कलाकार, मथेरण भी कलाकार, मथेरण है जैना, उस्ता है ना ऊंट की खाल पर नकाशी को काम करने वाला उस्ता कलाकार, उष्ट है ना उस्टर और मथेरण कलाकार। उर्मूल डेयरी बीकानेर में है। कॉपी, कॉपी क्या है? देखो कॉपी ऊंट की खाल को चमड़े को पानी भरने को एक पात्र है, जैसे ना देसी भाषा में छागड़ो बोला, तो छागड़ो जो है ना उसको कॉपी बोलते हैं।
चिंदा या चंदा बीकानेर की जो स्थापना हुई क्षेत्र इत्यादि दिन 1488 बार शनिवार के दिन बिन टाइम में बीका पतंग उड़ाई बिना अपन चंदो बोलना या चांद है ना चंदा या चिंदा तो पतंग बीके बतावा कि बिन टाइम में पतंग उड़ाई। आज बीकानेर की स्थापना दिवस पर वहाँ के लोग पूरे दिन पतंग उड़ाते हैं ना। नेक्स्ट है रामपुरी और बछावतों की वैली। बीकानेर शहर में रामपुरी और बछावतों की वैली है ना बहुत फेमस है। नेक्स्ट राजस्थान राज्य अभिलेखागार गवर्नमेंट जो प्रेस है राजस्थान राज्य अभिलेखागार बहुत ही फेमस है ये बीकानेर में है। हालांकि स्थापना 1955 में जयपुर में हुई लेकिन 60-61 में से बीकानेर में ट्रांसफर कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर। ऊंट महोत्सव और नृत्य ऊंट नृत्य बीकानेर का फेमस है। बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णिम काल किसका समय अनूप सिंह का समय अनूप सिंह राजा हुए थे उनके समय बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णिम काल कहलाता है। खजूर अनुसंधान केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है। खजूर अनुसंधान केंद्र है ना मरुस्थल में पौधा होता है खजूर तो आपको याद होगा है ना। खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में और यहाँ के किस्म है खजूर की हिलावी बहुत फेमस है। कूलर उद्योग बीकानेर का कूलर उद्योग बहुत फेमस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस अरे ये जिप्सम से बनता है जिप्सम बीकानेर में निकाला जाता है। हालांकि पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा जिप्सम कौन से जिले में निकाला जाता है वो आपको कमेंट में बताना है। बीकानेर के अंदर भी जिप्सम निकाला जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी बनता है। जामसर एशिया की सबसे गहरी खान और बिसरासर जहाँ जिप्सम की भारत की सबसे बड़ी कंपनियाँ कार्यरत है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का मुख्यालय बीकानेर है और बीकानेरी भुजिया और रसगुल्ला बहुत फेमस है पूरे राजस्थान में फेमस है। बीकानेरी भुजिया खासकर बीकानेर भुजिया उद्योग की शुरुआत डूंगर सिंह के समय से होती है। डूंगर सिंह के समय आपको बताना है बीकानेर भुजिया के अंदर दाल किसी है कमेंट में लिख के बताइयो। हजार हवेलियों की नगरी बीकानेर को कहते हैं एक हजार हवेलियों की नगरी। अलग सागर कुआ है वो बीकानेर सिटी को सारण बड़ो कुआ है। देखो बीकानेर में कई कुआ चौतीना कुआ फलाना निकट बहुत सा कुआ है लेकिन अलग सागर कुआ सबसे बड़ा कुआ माना जाता है। बारीदार के वे अरे करणी माता को जो पुजारी वे देश नोक में पूजा करे बिन बारीदार बोले। नेक्स्ट यदि बात करा सुंगा बीकानेर के अंदर एक सुंगो वे सुंगो के वे वो आदमी जगह जमीन ने जमीन की मिट्टी सूंघे बता देगा अठे पानी खारो निकले वो मिठो निकले ट्यूबवेल खोदा बिन सुंगो के वे है ना। नेक्स्ट धुआं बाज वो धुआं बाज के बीकानेर रियासत में एक टैक्स लेता बिन टैक्स को नाम है धुआं बाज। तो सवाल पूछ सकते हैं कि धुआं बाज किस रियासत का आकर था तो बीकानेर। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय 1987 में स्थापित हुआ बीकानेर में कृषि विश्वविद्यालय ये बहुत फेमस है। रामलाल हसन और अली राजा ये चित्रकार है ना तीन चित्रकार है बीकानेर के बहुत फेमस है रामलाल हसन और अली राजा। एल पी टेसिटोरी जिनका जन्म उदीने नगर इटली में हुआ और मृत्यु बीकानेर में हुई। जन्म उदीने नगर में कब हुआ इटली में 1887 और मृत्यु कब हुई 1919 बहुत ही कम टाइम ये चले गए थे। और खास बात इनकी छतरी बीकानेर में बनी हुई है ना और बीकानेर उदीने को जुड़वा शहर कहते हैं। अमरचंद बांठिया बीकानेर के व्यापारी थे ग्वालियर में रहते थे। 1857 की क्रांति के दौरान ग्वालियर में लक्ष्मीबाई रोहतांत्या टोपे को उन्होंने आर्थिक सहायता दे दी थी इसलिए 1857 की क्रांति में हमारे राजस्थान का पहला व्यक्ति था अमरचंद बांठिया जिनको अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था यहाँ से सवाल बनता है। नेक्स्ट है बीकानेर में लिफ्ट नहर है बहुत फेमस है चारों सवाल बार बार पूछे। अरे IGNP जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना RCP राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट जगह को पुराना नाम हो बी नहर की कई लिफ्ट नहर है जिसकी चार लिफ्ट नहरों का संबंध बीकानेर हूँ। यदि यहाँ पर बात करें बांगड़सर लिफ्ट नहर वीर तेजाजी नाम है वो सबसे छोटी नहर ये सवाल बन सकता है। बांगड़सर लिफ्ट नहर है वीर तेजाजी सबसे छोटी नहर है। बीकानेर लूणकंडसर लिफ्ट नहर जगह को नाम कंवर सैन भी लिफ्ट नहर है ये बीकानेर की जीवन रेखा या लाइफ लाइन कहते हैं ये सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी कंवर सैन मतलब दूसरा नाम बीकानेर लूणकंडसर सबसे छोटी तेजाजी दूसरा नाम बांगड़सर बड़ी वाली है इसे बीकानेर की जीवन रेखा कहते हैं। नेक्स्ट गजनेर को नाम गजनेर लिफ्ट नहर को नाम है पन्नालाल बारूपाल ये RPSC 2007 में पूछा गया सवाल है। बीकानेर के साथ नागौर है ना इससे लाभान्वित हो रहा है एक कोलायत कैसे करने जी लिफ्ट नहर है चार लिफ्ट नहर बीकानेर। नेक्स्ट अल्लाह जिलाई बाई मांड गायिका है और राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश ओ मांड गायकी में गाइड तो अल्लाह जिलाई बाई मांड गायिका है केसरिया बालम आओ नी पधारे मारो देश ये जो राज्य गीत है ये इन्होंने गाया और गंगा सिंह ने इनको आश्रय दिया। बिंग अलावा देखो आप बात करें बीकानेर यदि आप पढ़ रहे हैं और गंगा सिंह ने नहीं पढ़ा तो जानकारी अधूरी है। तो गंगा सिंह ने मैं कोशिश करी है बिया तो हिस्ट्री के अंदर आप पढ़ा गंगा सिंह ने बहुत डिटेल में पढ़ा लेकिन अठापा गंगा सिंह ने सारी बात में डाल दी बहुत ही शॉर्ट के अंदर डाली है मैं बता रहा हूँ आप ध्यान से सुनना। गंगा सिंह ने
आधुनिक भारत और राजस्थान को भागीरथी के ओकन जवाहरलाल नेहरू और बीकानेर के आधुनिक निर्माता तो है ही है। देखो टाइमलाइन के अकॉर्डिंग सारी बातें सेट कर दी। 1891 में PWD, क्योंकि गंगा सिंह के टाइम बीकानेर रियासत में बहुत ज़्यादा विकास हुआ, तो याद रखियो 1891 में PWD सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना कर दी बीकानेर में। 1899 में 1900 फेमस छपनी अकाल पड़ा था, उसमें हमारे बीकानेर रियासत के राजा गंगा सिंह थे। 1901 में उन्होंने चीन के बॉक्सर युद्ध में भाग लिया, है ना, गंगा रिसाला ऊंटांग की सेना है, गंगा सिंह ने जगह को नाम हो गंगा रिसाला। तो 1891 में PWD, 1900 में छपनी अकाल, 1901 में चीन युद्ध में भाग लिया, 1905 में प्रिंस ऑफ वेल्स बीकानेर आए थे, प्रिंस ऑफ वेल्स 1905 में। नेक्स्ट 1913 गंगा सिंह आपके जन्मदिन पर है, प्रजा प्रतिनिधि सभा बाद में, है ना, मतलब आप लोगों का जगह प्रतिनिधि चुनेडा बांगी सभा, ये एक तरीके लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत, हालांकि ये बहुत बड़े लेवल पर नहीं थी, केवल प्रतीकात्मक थी, लेकिन फिर भी याद रखना 1913 में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना। 1914-18 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भाग लेवे, और याद रखिए इसमें जो है इंपीरियल वॉर कैबिनेट, जो युद्ध की कैबिनेट है, बिंग अंदर एकमात्र अश्वेत कोई व्यक्ति था तो वो कोई और नहीं गंगा सिंह थे। नेक्स्ट 1914-18 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भाग लेवे, और 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद 1919 में जो पेरिस की संधि हुई, उस पेरिस की संधि में गंगा सिंह ने भाग लिया था, हस्ताक्षर किए थे। 1921 में नरेश मंडल, है ना, चैम्बर ऑफ प्रिंस, पूरे भारत की देशी रियासतों का एक मंडल था, है ना, चैम्बर ऑफ प्रिंस, और जिसको नरेश मंडल या नरेंद्र मंडल कहते हैं, उस मंडल के प्रथम चांसलर थे वो कौन थे, गंगा सिंह थे। 1921 में 22 से 27 गंग नहर के प्रणेता, राजस्थान की पहली वृहद सिंचाई परियोजना आरएस 2010 में पूछा गया सवाल है, इसके प्रणेता गंगा सिंह थे। गंगानगर के आसपास ये जो पंजाब से नहर, सतलज नदी से नहर निकाल कर, ये जो गंगानगर वर्तमान आप देख रहे हो, पहले नाम था रामू की ढाणी, है ना, यहाँ सिंचाई के लिए नहर लाए और उसको आबाद कर दिया, गंगा सिंह ने अपने नाम से गंगानगर बसा दिया, है ना, रामू की ढाणी इसका पुराना नाम, रामू जाट यहाँ रहता था। तो ये गंग नहर, आपको कॉमेंट में बताना है कि गंग नहर का उद्घाटन किससे करवाया था गंगा सिंह। नेक्स्ट 1930-31-32 तीनों गोलमेज सम्मेलन में गंगा सिंह ने भाग लिया, लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलन थे 1930-31-32, पहला दूसरा तीसरा, तीनों में गंगा सिंह ने भाग लिया, और सेकंड वर्ल्ड वॉर में गंगा सिंह ने भाग लिया, काफ़ी लंबा समय था इनका, है ना। तो ये था गंगा सिंह। गंगा सिंह के बाद में आप बात करें शार्दुल सिंह की बात ही वास्ते करें कि अंतिम राजा थे, तो अंतिम राजा है शार्दुल सिंह, और विलय के समय यही राजा है भाई अंतिम है। तो सबसे पहले विलय पत्र पर जो हस्ताक्षर किया था राजस्थान में, वो किसने किया था, शार्दुल सिंह। तो सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया बीकानेर के राजा, अंतिम राजा शार्दुल सिंह ने। कमेंट में आपको बताना है कि विलय पत्र पर सबसे बाद में हस्ताक्षर किस राजा ने किया था और वो किस रियासत का था। नेक्स्ट दयालदास डाइंस बीकानेर राठौड़ी ख्यात, आरएस प्री 2013 में पूछा गया सवाल है, बीकानेर राठौड़ी ख्यात के लेखक कौन है, दयालदास डाइंस और बिगाजी। देखो है ना, बीकानेर के डूंगरगढ़ तहसील में गांव है बिगा, वहाँ जाखड़ जाटों के कुल देवता बीगाजी रहते हैं, तो बीगाजी का मंदिर है, सॉरी, तो बीगाजी जाखड़ जाट के कुल देवता बीगा गांव में ही है, गांव का नाम यहाँ नाम पर पड़े है। और बीकानेर में खास बात, सर्वाधिक स्थायी चारागाह गोचर भूमि, अरे सारों ज़्यादा गोचर भूमि और चारागाह घट है बीकानेर में। तो ये था बीकानेर के बारे में जितना भी मैटर था। देखो मैटर बहुत बड़ा है, मैंने प्रयास किया है कि इस मैटर को कंसाइज करके आप तक, है ना, प्रस्तुत करने का, और मुझे लगता है कि इतना सब कुछ पढ़ने के बाद बीकानेर से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके एग्जाम में गलत नहीं होगा। अब इसके अलावा मैंने कुछ एमसीक्यू की भी डाले हैं जिसके आंसर आपको कमेंट में देना है। बीकानेरी भुजिया के अंदर दाल किसी वे, है ना, चढ़ांगी वे के चीज़ की वह थाना बताना है ना। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ होती है, हालांकि मैंने यहाँ नहीं बताया, आपको कमेंट में बताना है, है ना, सर्च करके। पाटा संस्कृति कहाँ की है, जाखड़ जो है जाट उनकी कुल देवी, सॉरी कुल देवता, है ना, कुल देवी नहीं कुल देवता बताना आपको ना, कुल देवता। नेक्स्ट बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णिम काल किस शासक के समय का है, रामपुरिया हवेली कहाँ है, ऊंट महोत्सव और ऊंट नृत्य कहाँ का फेमस है, विलय के समय बीकानेर राजा कौन थे, जमीन का जेवर किसे कहते हैं, और इसके अलावा करणी माता मंदिर के अंदर जो स्पेसवर है बन के कमा। देखो बीकानेर जिले हूँ, काफ़ी बातें कोशिश करिए शॉर्ट में थाना बतानेगी, और मैंने पूरा भरोसा है कि थारा बढ़िया तरीके में चीज़ें याद होगी। तो बहुत जल्द मिला नेक्स्ट जिले के सागे, थैंक यू।